तो अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें, लिंक है डिस्क्रिप्शन पर। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आशा करते हैं बहुत अच्छे हो। अगर फ्रेंड्स आपको भी कुछ इसी तरह जो आप प्रीमियम स्टडीज देखें बनाना है तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है, क्योंकि गाइस आज का इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा इस तरह की आप जो प्रीमियम स्टडीज देखें कैसे करके बना सकते हैं। वेल गाइस चैनल पर लो सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस आपको इस चैनल पे ऐसे ही वीडियोस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, वो भी हर दिन, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब और गाइस वीडियो को लाइक कर दे, बहुत अच्छा लगता है। एनीवेज आप इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो करें और टेलीग्राम पर प्लीज ज्वाइन करें। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप काइन मास्टर से कैसे करके एडिट करते हैं स्टेटस वीडियो वो पूरा सिखाऊंगा। तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बिटली एप्लीकेशन को ओपन करना, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद मैं सिंपली इसे ओपन करता हूँ, आप भी सिंपली इस बिटली एप्लीकेशन को ओपन कर लें। तो यहाँ पर बिटली ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर फॉर यू पेज पे आपको बहुत सारा वीडियोज़ देखने को मिलता है, तो आपको फॉर यू पेज के अंदर ही आपको ये हैरी पॉटर का ये वाला वीडियो को चूज़ करना। आप यहाँ पर देख पा रहे हो इसके बाद वाला, ये वाला नहीं ये वाला। तो आप इस वीडियो पे आने के बाद आपको मेक ए वीडियो पर क्लिक करना है। और गाइस ऑल आपका जो जितना सारा मेक ए वीडियो पर क्लिक करने के बाद या मेक वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपका गैलरी ओपन हो जाता है और आपका जितने सारा फ़ोन पे फोटोज हैं सब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप केवल 8 इमेज को सिलेक्ट कर लें, ज़्यादा नहीं 8। तो यहाँ पर मैं कुछ 8 इमेजेस सबको चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हो 8 इमेज को मैं चूज़ किया हूँ। अगर कोई इमेज को कट करके रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ से इजीली रिप्लेस कर सकते हो। देन ओके कर देता हूँ मैं। ओके करने के बाद गाइज आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपका कुछ इस तरह वीडियो बन चुका है। वेल यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो आपका वीडियो इस तरह बनने के बाद जो डाउनलोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और आपका जो वीडियो है वो 100% प्रोसेसिंग लेने के बाद आपके फ़ोन पर सेव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव्ड है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अब आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। सो गाइस उसके बाद मैं कहा आपको काइनमास्टर ऐप को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ काइनमास्टर ऐप को ओपन कर चुका हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इंस्टाग्राम पर जाना है और मुझे मैसेज करना है। क्योंकि गाइस अगर मैं डिस्क्रिप्शन पर मोड काइनमास्टर का लिंक देता हूँ तो कॉपीराइट इश्यूज है, इसीलिए मैं डिस्क्रिप्शन पर मोड लिंक नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं आपको डायरेक्टली प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पर आपका अगर पहले से है तो ऑल राइट, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, 1:1 रेशियो को चूज़ करना है। और यहाँ पर गाइज आपको थोड़ा वक्त यहाँ पर देखना है, मतलब थोड़ा देर बाद ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब गाइज आप जो वीडियो बनाए बिटली से उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट करना है। उस वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद इस पैन एंड जूम को ऑप्शन पर चले जाना है, वीडियो को कुछ इस तरह बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह, और इक्वल को ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब थोड़ा स्लाइड करके देखना है आपका फोटो जो है उसका मुंडी सही से, मतलब सर है वो सही से हो रहा है या नहीं, दिखाई मिल रहा है या नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं सही से है। अब गाइज इसका ऑडियो का ऑप्शन पर जाके आपको म्यूट करना है। अब आपको क्या करना है यहाँ पर इसी वीडियो पर टैप करके, इस 3 डॉट पर टैप करके डुप्लीकेट एज ए लेयर लेना है। अब इस वीडियो को आपको स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फिट करना है और 1 फिंगर से वीडियो को डाउन करना है, क्योंकि गाइज आपको यहाँ पर मतलब इसका सर देखने को मिले, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ मैं, अब सर सही से दिखाई मिल रहा है ना। तो गाइज यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो इस तरह आपको कर लेना है। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इससे फिट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, सॉरी यहाँ पर लेयर पे मीडिया का ऑप्शन पर चले जाना है और स्टार्टिंग टाइम तक चले आ जाना है। और यहाँ पर गाइज आपको एक फ़ोटो को इम्पोर्ट करना है कुछ ये वाला, देन क्या करें इसका ड्यूरेशन को लास्ट तक कर दें। और यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है उससे, मतलब आपका जो फ़ोटो है उससे क्या करें यहाँ पर इस तरफ बड़ा कर लें, आपका जो फ़ोटो है मतलब वीडियो है पिक्चर है जो वीनियट पिक्चर, देन आप क्या करें इसका अल्फा ओपेसिटी पे जाके 80% या 85% आप इसे कर दें। अब गाइज बहुत बंदे कहेंगे भाई 11 सेकंड का वीडियो है, तो अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो इस डुप्लीकेट क्रिएट कर लें ये सब का। एक डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद आप इधर का भी पार्ट को इस तरह डुप्लीकेट कर लें, मतलब डुप्लीकेट क्रिएट करके आप इस लेयर का भी पार्ट को एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लें और इसे स्लाइड करके इधर कर लें इस तरह, और इसे इस 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर दें और इस लेयर को आप इधर ड्रैग कर दें। तो देख सकते हैं 11 सेकंड का डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद ज़्यादा हो गया। अब लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर गाइज आपको ये ब्लैक स्क्रीन को इम्पोर्ट करना है। और गाइज आपको इसी के अंदर ऑडियो भी देखने को मिल जाता है। तो गाइज आपको क्या करना है स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके वीडियो को फिट करना है
ब्लेंडिंग को ऑप्शन पर चले जाना है, स्क्रीन पर क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये भी फिट हो चुका है। अब लेयर पे क्लिक करके मीडिया का ऑप्शन पर आपको जाना है, व्हाइट कलर का एक बॉर्डर को इम्पोर्ट करना है कुछ ये वाला, देन इसका ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक कर देना है और स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक करके फिट करना है। सो गाइज यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हो आपका जो वीडियो है वो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइस ऐसे करके आप बना सकती है वाला वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देखकर पसंद आया है। अगर ये वीडियो देखकर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं गाइस नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।